subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो आज हम आए हैं स्कॉडा के शोरूम में और मेरे साथ मौजूद हैं अर्शद भाई, सेल्स मैनेजर ऑफ स्कॉडा। तो आज हम जानेंगे कि रैपिड की खास बात, गाड़ी के अंदर क्या, इंजन कितने का है, कितना सीसी है, क्या इसके अंदर खास बात है, कॉस्ट, ओवरऑल छोटा सा ब्रीफ में हम आपको इस डिटेल देंगे। मेरे साथ अर्शद भाई। सो भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। अर्शद भाई, इस गाड़ी के अंदर खास बात कुछ बता सकते हैं, क्या इसके अंदर खास बात है? जी सर, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं हमारे पास, ये आपके सामने जो खड़ी है, ये रैपिड का एक स्पेशल एडिशन मॉडल है। रैपिड ऑनिक्स के नाम से आता है, जो कि एक्सक्लूसिवली लैपिस ब्लू कलर के में ही अवेलेबल होगा। बहुत ही अट्रैक्टिव कलर ये है। बाकी इसके अलावा भी हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, जो वाइट है, कार्बन स्टील है, रेड है, मोंटे कार्लो ऑप्शन में भी आती है हमारे पास में। हाँ, इसका इंजन कितना सीसी हो, क्या खास बात है इसमें? इसका इंजन आपको डीजल में 1500 सीसी का मिलेगा और पेट्रोल में 1600 सीसी का मिलेगा। एवरेज, ऑल एवरेज की क्या बात करें, क्या अभी कंपनी क्लेम कर रही हो, क्या हो सकता है आपके हिसाब से? अगर हम प्रैक्टिकल एवरेज की बात करें तो डीजल में आपको इसमें 21 प्लस का एवरेज मिल रहा है, जो टेस्टेड एवरेज है। पीपल आर गिविंग द फीडबैक और इवन कहीं कहीं पर लोगों ने 21 से भी ज़्यादा का निकाला है, 24-25 तक का गया है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग 21 प्लस का माइलेज आपको मिल रहा है। ओवरऑल इसकी कॉस्ट सिटी में आपको? सिटी में जो माइलेज अगर हम बता रहे थे आपको, कि अगर आप सिटी की बात करें तो 16-17 के आसपास आपको सिटी में माइलेज मिलेगा इसका। तो इसकी कॉस्टिंग की बात करते हैं, प्राइस ओवरऑल क्या पड़ रहा है, कैसे? हमारे पास स्टार्टिंग वेरिएंट जो है वो 9,75,000 रुपये से स्टार्ट होता है, और ऑनिक्स का पेट्रोल का मैनुअल ट्रांसमिशन 9,75,000 रुपये एक शोरूम है सर। ठीक है, स्टार्टिंग प्राइस इसका ये है। तो अब जैसे हम बात करते हैं इंजन इतने सीसी का, तो इसमें और क्या खास बात है इसके अंदर, कुछ कंपनी ने क्या इसके अंदर ऐसी क्या खूबी दी कि और क्या, हम और गाड़ी छोड़ के थोड़ा इस पर हम फोकस करें, कंपनी क्या सोचती है? मैं आपको बता रहा हूँ सर, इसमें आपको सबसे बड़ी चीज़, तो अभी हमारे स्कॉडा में हमने ये फोकस किया हुआ है कि सेगमेंट एक्सक्लूसिव, फर्स्ट टाइम वी आर गिविंग यू 6 ईयर्स और 1,50,000 किलोमीटर्स वारंटी, जो कोई भी कंपनी नहीं दे रही है आज की डेट में। सेकेंड पार्ट ये कि हमारी गाड़ी का जो मेंटेनेंस है वो एश्योर्ड मेंटेनेंस है, लाइक वी आर गिविंग यू अ पैकेज ऑफ 33,333 रुपीज़ ओनली, 33,333 रुपये में अगले 4 साल और 60,000 किलोमीटर तक की सर्विस आपकी कवर्ड होगी। उसमें फुल पीरियोडिक सर्विस लाइक इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, लेबर चार्जेस, वॉशिंग, पॉलिशिंग, सर्विसिंग, ईच एंड एवरी थिंग इज कवर्ड, ऑल कंज्यूमेबल्स आर कवर्ड। तो इट्स अ कंप्लीट पीस ऑफ माइंड फॉर द कस्टमर्स, इसलिए ये हमारी गाड़ी बेहतर है दूसरों से, क्योंकि हम एश्योर्ड मेंटेनेंस दे रहे हैं, एश्योर्ड वारंटी दे रहे हैं फॉर ए बेटर टाइम पीरियड। तो अब इसके बाद कहते हैं इंजन, डीजल टैंक, पेट्रोल टैंक, तो उन्हें कितना फ्यूल आ जाता होगा अप्रॉक्स? मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें हमारी गाड़ी का इंजन साइज पेट्रोल डीजल में सेम फ्यूल टैंक पेट्रोल डीजल में सेम है, 55 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसका, और ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, और हमारी गाड़ी नीचे से पैक्ड होती है, एक लेयर लगी होती है जिसमें आप यूँ कह सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड रफ रोड पैकेज, जिसमें कोई भी पार्ट डैमेज नहीं होता। अगर कहीं स्पीड ब्रेकर में गाड़ी टच भी होती है, वैसे तो टच नहीं होती, अगर होती भी है तो वो लेयर जो है वो उसको इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करती है, तो मेन पार्ट्स ऑफ द कार विल नॉट बी डैमेज्ड। स्कॉडा के अंदर कल जैसे आपसे मेरी बात हुई डिस्कस, स्कॉडा के अंदर आपने एक खास बात बताई थी कि कोई गाड़ी कोई बात होती तो एकदम से फायर नहीं इंजन टैंक में, जो फायर जी वो सेफ्टी फीचर जो आपने बताया था। जी हाँ, सेफ्टी फीचर ये है कि सर इसमें फ्यूल सप्लाई कट ऑफ इन अ क्रैश एक सेफ्टी फीचर है, जैसे भी इम्पैक्ट होगा फ्यूल सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा, गाड़ी में कभी भी आग नहीं लग सकती। इसी तरह इसमें एक सेफ्टी फीचर है, लेजर वेल्डेड रूफ, छत पे लेजर वेल्डिंग की हुई है, इसकी जो लेजर वेल्डिंग स्पॉट वेल्डिंग से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है, सिंगल पीस वेल्डिंग होती है इसकी, तो इसमें क्या होता है कभी भी रोल ऑन पोजीशन में या फ्रंटल कोलिजन में कभी भी छत जो है वो अलग नहीं हो सकती गाड़ी से, तो एक अच्छा सेफ्टी फॉर द ऑक्यूपेंट्स जो अंदर बैठे हैं, पैसेंजर्स जो बैठे हैं वो बिल्कुल सेफ रहते हैं हर हाल में, ये इसकी खास बात। इसके अलावा मैंने आपको बताया इसमें 3-स्टेप डोर ओपनिंग भी है, बिकॉज ऑफ द हैवीनेस इसके डोर 3 स्टेप में खुलते हैं, ताकि आपको और ये चीज़ आप फील भी कर सकते हैं डोर्स ओपन और क्लोज करके। एंड ऑल्सो वी आर सिस्टर कंसर्न विद ऑडी, ऑडी हमारी सिस्टर कंसर्न कंपनी है, तो हम पार्ट्स भी शेयर करते हैं। इवन आप इस गाड़ी का बोनट खोल के देखेंगे तो सम ऑफ द पार्ट्स आर हैविंग अ मोनोग्राम ऑफ ऑडी ऑल्सो। जी हाँ, तो वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी ऑफ दिस कार। मैं आपको खोल के दिखा, जी आप मुझे इसका खोल के दिखा दीजिए, रोक दो यानी।
सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आप इसका एक बार बोनट फील करके देखिए, इट्स वेरी हैवी, इट्स वेरी हैवी बोनट। आप किसी भी गाड़ी वाकई में, किसी भी गाड़ी में आप देखेंगे इतना हैवी बोनट किसी में नहीं मिलेगा। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टर्डीनेस ऑफ द कार, वेट ऑफ द कार। वाकई में फील है, मैं खुद देख रहा हूँ। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं 1.5 लीटर का TDI इंजन है, 110 BHP की पावर है, 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क है एंड 7 स्पीड DSG ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इसमें। इस इंजन की वारंटी 6 साल और 1.5 लाख किलोमीटर की हम आपको ऑफर कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम बात कर रहे थे कुछ पार्ट्स वगैरह की, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इन्होंने ऑडी के पार्ट्स इस्तेमाल किए हैं, ऑडी का मोनोग्राम बना हुआ है यहाँ पर, आप यहाँ से देख सकते हैं सर। जी जात रेक्टेंगुलर शेप के इसके फॉग लाइट्स हैं, मोर देन रिक्वायर्ड लाइट आपको मिलेगी, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं, LED DRLs हैं जो इस गाड़ी में आपको मिल रही हैं और इसके लुक को इन्हेंस कर रही हैं। आइए इंटीरियर हम इसका देखते हैं, अंदर लुक वाइज कैसा है। बात करते हैं इसके अंदर की फीचर्स, अंदर कैसी गाड़ी की खास बातें क्या है, तो इसके अंदर देखिए अंदर कैसे क्या चीज़ें सर, इसके अंदर के बारे में कुछ बताएंगे सर कैसे क्या। इसमें सर मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये ऑनिक्स स्पेशल एडिशन गाड़ी है, इसमें आपको इंटीरियर में ये फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिल रहा है। फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील, इट्स अ स्पोर्टी काइंड ऑफ व्हील, प्लस बैठने में भी आपको अगर कंफर्ट और लेग रूम अच्छा मिलेगा यहाँ पर, और ये टच नहीं होता, अक्सर लोगों के पैर में स्टेयरिंग टच होने लगता है तो वो चीज़ वो फीलिंग नहीं आएगी। प्लस इट हैज़ गॉट टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फंक्शन, ये आप टिल्ट फंक्शन देख रहे हैं और ये टेलीस्कोपिक फंक्शन है, यानी स्टेयरिंग आप अंदर और बाहर की तरफ भी अपने अकॉर्डिंग वेट एंड हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आप देख रहे होंगे इसका जो म्यूजिक सिस्टम है 6.5 इंचेस मल्टी TFT कलर डिस्प्ले के साथ में है, जिसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, मिरर लिंक, ये तीनों सपोर्ट मिलेंगे। आपका फ़ोन इससे कंपैटिबल होगा तो इसकी आपके फ़ोन के सम ऑफ द एप्लीकेशन विल बी ट्रांसफर्ड ओवर दिस थिंग। ठीक है, जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपके जो मॉडल है इसमें जो कोई भी टॉप मॉडल या जो भी वेरिएंट आता है, चाहे CD प्लेयर्स वगैरह सब कंपनी फिटेड आता है कि कुछ ऐसे मॉडल्स हैं हमारे, हमारे सारे ही वेरिएंट में म्यूजिक सिस्टम इनबिल्ट होता है और सारे ही वेरिएंट्स में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी, सारे ही वेरिएंट्स में आपको क्या नाम है, CD प्लेयर जो आप कह रहे हैं, CD प्लेयर का टाइम ख़त्म हो चुका है, तो अभी जो है हम आपको USB पोर्ट का ऑप्शन सारे ही वेरिएंट्स में देंगे, ऑक्सिन का पोर्ट देंगे, SD कार्ड का पोर्ट देंगे, SD कार्ड का ऑप्शन देंगे, तो ये कॉमन फीचर्स हैं जो हमारे सारे वेरिएंट्स में है। इट इज़ अ फुल टच स्क्रीन सर, आप देख सकते हैं इट्स अ फुल टच स्क्रीन है ना, ये देखिए इट्स अ फुल टच स्क्रीन। या मतलब के कहा जाए कि गाड़ी कोई नो डाउट बुरी नहीं है, गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हम आपको पीछे का दिखाते हैं, पीछे कैसा स्पेस है, मैं खुद बैठ के देखता हूँ कि कैसी स्पेस है, सर के साथ मैं खुद बैठ के देखूँगा कैसा स्पेस है। सर आइए आप भी बैठिए, जरा देखें कैसी स्पेस है सर। देखिए सर बहुत स्पेसिस बहुत, देखिए आप एक फील जो कहते हैं ना फील आता है, एक थोड़ा फील भी आता है कि आप थोड़ा किसी कार में बैठें, क्लास ऑफ क्लास एक क्लास होती है उस कार में आप बैठें, तो काफी अच्छे फंक्शन जैसे सर ने किए। देखिए इसमें आपको रियर AC इवेंट्स भी मिल रहे हैं, ये भी हमारा स्टैंडर्ड फीचर है, हमारी हर गाड़ी में बेस टू टॉप सारे ही वेरिएंट्स में आपको रियर AC इवेंट्स मिलेंगे। रियर AC इवेंट्स आजकल बहुत जरूरी होते हैं, बिकॉज अगर सफर ड्रिवन भी गाड़ी है तो पीछे बैठे पैसेंजर्स को कूलिंग मिलना चाहिए, वो डायरेक्ट कूलिंग मिलेगी। प्लस देयर इज अ बॉटल होल्डर इन फ्रंट ऑफ रियर AC इवेंट्स, तो जो पानी वगैरह अगर आप पीछे रखते हैं तो वो भी उसे ठंडा रहता है। ठीक है, और आप देख रहे हैं लेगरूम काफ़ी अच्छा है, बैठने के बाद भी आपके नीज और फ्रंट सीट के बीच में काफ़ी स्पेस मिल रहा है आपको, इट्स क्वाइट कम्फर्टेबल, यू मस्ट बी फीलिंग दिस। जैसे शायद आपने प्राइस के बारे में मुझे बताया था, तो जैसे कि अभी हमारे जो जो भी जो लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं और उनको ये गाड़ी लेनी है, तो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करें, तो आपसे जी आप मुझे कमल किशोर स्कॉडा के शोरूम में, हमारा शोरूम एक कमता चौराहे पर कमल किशोर ऑटो कॉप के नाम से अवेलेबल है, यहाँ पर 3S फैसिलिटी है, सेल सर्विस स्पेयर सारी चीज़ें मिलेंगी, और आप यू कैन नोट डाउन माई कॉन्टैक्ट नंबर, इट इज़ 7521002334 एंड सर्विस के लिए 7521002332 इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारा एक छोटा सा इनफैक्ट नॉट छोटा नहीं कहेंगे, हमारा ये एक आउटलेट है जो कि दैनिक जागरण चौराहे पर भी हमारा एक आउटलेट है, वहाँ पर भी आप गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, डिस्प्ले पे हैं, आप देख सकते हैं सर।
जैसे सर ने आपको पूरी जानकारी दी थी गाड़ी कहाँ है, कैसे अवेलेबल होगी, क्या रेट होगा, सब कुछ आपको मिल चुका है। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में कुछ आपको ऐसा डाउट लगता है कि कुछ मैं चीज़ें नहीं बता पाया, सर का कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ मैं आया हूँ इसका पूरे लोकेशन मैं प्रॉपर आपको एक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सर से जिस जिसको स्कॉडा कार परचेज करनी है सर से कॉन्टैक्ट करिए, सेल सर्विस बहुत अच्छी है, चूँकि मैं ऑलरेडी यहाँ से कई गाड़ी परचेज करवा चुका हूँ कर चुका हूँ, तो सर की सर्विस नो डाउट कि अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये नहीं कह रहा कि मैं आपको जाने बोला, बट मैंने फील किया सर, ये जो डीलरशिप जिस ग्रुप की है, जुगल किशोर ग्रुप का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उस ग्रुप की डीलरशिप है, जो ज्वेलर्स का ग्रुप ही बहुत पुराना नाम है इस लखनऊ शहर में, इनफैक्ट पूरे यूपी में इसका नाम है। तो इन्होंने अब इस बिज़नेस को टेक ओवर किया है, पहले किसी और डीलरशिप की विशाल कार्स के नाम से आती थी शायद, आई डोंट नो, बट अब जब से इनके पास आई है वी हैव गॉट फुल एडवांटेजेस, हमको सारी चीज़ों का सपोर्ट मिल रहा है, स्टॉक की अवेलेबिलिटी है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है, एवरीथिंग्स आर यू नो ऑन अ फुल फ्लेज्ड मैनर, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अर्शद भाई आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी आपको, और मैं चाहूँगा सपोर्ट करूँगा कि इंशाल्लाह आपको जिन जिन को भाइयों को अगर गाड़ी परचेज करनी है स्कॉडा की तो सर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। जी सर, सर शुक्रिया सर, आपने मुझे अपना एक कीमती नंबर, कीमती समय दिया अपना आपने, ठीक है, सर का नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सर से ज़रूर जो जिनको गाड़ी परचेज़ करनी है वो ज़रूर परचेज़ करें। ओवरऑल आप गाड़ी का लुक देख सकते हैं, और पीछे भी बहुत अच्छा खूबसूरत एक लोगो, स्कॉडा जो कहा जाता है, एक बहुत अच्छा लोगो दिया गया है। और इसके साथ इस वीडियो को मैं ऑफ करता हूँ, गाड़ी का नाम आपने देख लिया होगा क्या नाम है, ठीक है, बताएं दो तीन ही। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस गाड़ी के अंदर क्या खास बात लगी है, और आप में से जिनके पास स्कॉडा है तो वो भी बताइए कि गाड़ी के अंदर क्या खास बात है। टेस्ट ड्राइव रहेगी, टेस्ट ड्राइव में आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।